जितने भी अधिकांश लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब हमें व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, और एक सवाल सबके मन में था जब हमने इनविटेशन भेजा, क्योंकि सबका कहना था अब तक तो आप लोग कॉर्पोरेट शोज करते रहे हो, टिकट शोज करते रहे हो, आप सब आते रहे हैं हमें देखने के लिए, तो इस तरह का सोशल इवेंट क्यों? तो पहले मैं उसका उत्तर दे दूं, मुझे जब मैं और दिनेश बावरा जी हम लोग सोच रहे थे कि आदरणीय रूपलाल श्री रूपलाल सर भी बैठे हुए हैं, वो सहमत होंगे इस बात से कि संस्थान की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि केवल संस्थान की नहीं, हर एक व्यक्ति की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसे अदा करनी चाहिए। आयोजन करने की सोची, और मैं जानता हूं ये हमारा सोशल इवेंट पहला था, तो हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ खामियां रह गई होंगी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपका साथ बना रहा तो हम साल में 2-3 सोशल इवेंट ऐसे करेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे जिनको मंच की आवश्यकता है, जिनको सम्मान देने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनको बेसिक एमिनिटीज पहुंचाने की आवश्यकता है, और यह आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाएगा। और हंसाने के लिए कहा गया है, हंसाना बहुत कठिन काम होता है परिवार के बीच में, हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और सबसे बड़ी उपलब्धि आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को आप सुनेंगे, वो आपको हंसाएंगे, हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हमारा सौभाग्य है। श्री रूपलाल मीणा सर की उपस्थिति, बहुत सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। सर मुझे एक शिकायत अक्सर रही है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री से, वो ये है कि जब मिल्क एसोसिएशन हड़ताल करती है तो सारा दूध जो है वो सड़कों पे फेंक देती है, जब सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जियां सड़कों पे फेंक देते हैं। सर जब जब बैंक ने स्ट्राइक की मैं बैंक के बाहर खड़ा था, बंडल छोड़िए नोट बाहर नहीं आया सर, तो थोड़ा सा सर आप लोग इसका प्रोटोकॉल भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सर आप बिल्कुल मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, हम हाथ से कभी हैं, हमारी आदत होती है सर मजाक करने की, और जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? नहीं छूटती। सर मैं शो करके आ रहा था जयपुर से, तो मेरे बगल में फ्लाइट में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी थी सर, तो बच्चा मम्मी के पर्स से खेल रहा था, पता नहीं कहाँ से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का आया सर और वो निकल गया, अब वो महिला चिल्लाने लगी मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, तभी पीछे से एक आदमी ऊपर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे दो मारा, पीछे दो मारा, ऊपर दो मारा, नीचे दो मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूँ। तो जिसकी जो आदत होती है सर वो नहीं छूटती है। आदरणीय संजय मिश्रा सर बैठे हैं, राज पांडे सर बैठे हैं, इन्होंने अपने दम पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन इनकी आदत है विनम्र रहने की, दिनेश भैया जानते हैं हम अक्सर जाते हैं, तो विनम्र रहने की, तो लेकिन सर आप लोगों की विनम्रता अच्छी है, आपने अपने दम पे खड़ा किया, लेकिन जो मिडिल क्लास एक आदमी है सर उसकी विनम्रता कभी कभी घातक हो जाती है। मुझे याद है एक मिडिल क्लास व्यक्ति के 6 महीने के संघर्ष के बाद उसका लोन पास हुआ, अब वो गया बैंक में, मैनेजर साहब ने बुलाया तो उन्होंने DD दी। अब विनम्र आदमी जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? नहीं छूटती। तो मैनेजर साहब ने DD दिया, वो विनम्र आदमी, उसने DD स्वीकार करते हुए कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ये कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैनेजर साहब ने तुरंत DD वापस ले लिया। तो कभी कभी घातक साबित हो जाती है, जिसकी जो आदत होती है वो नहीं छूटती है, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, नेताओं की अपनी आदत होती है, बताया गया कि यहाँ का प्रोग्राम में था तो सोचे BJP की, सबकी अपनी अपनी आदतें, हमारी अपनी आदतें, हमारी नहीं छूट रही, चूंकि हम किसी भी पार्टी में नहीं हैं, इसलिए सारे पार्टी के लोग हमारे दोस्त हैं। तो मैंने एक जो सरकार में है उनको एक दिन मैसेज किया कि विकास कहाँ है, तो उन्होंने मुझे शेर लिखा, शेर सुनना आपको आनंद आएगा, तो आपकी तालियां मिले, उन्होंने मुझे लिखा कि रोहित भाई गुलशन की हर शाख पे उल्लुओं का वास है, गुलशन की हर शाख पे उल्लुओं का वास है, इस दौर में भी आप जिंदा हैं ये भी तो विकास है। तो सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? वो नहीं छूटती। अजय यादव जी हमारे बीच में अहमदाबाद से आए, हमारा सौभाग्य। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, इनकी अपनी आदत है,
इनकी आदत भी नहीं छूटती, इनकी आदत है वन लाइनर ह्यूमर के मास्टर स्पेशलिस्ट हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आप सब जानते हैं। अभी हम लोग ग्रीन रूम में बैठे थे तो मैंने कहा कि चाचा जी अखबार में खबर आई है कि 25% महिलाएं मानसिक रोग की दवाइयां लेती हैं। इन्होंने कहा हे भगवान, मतलब 75% महिलाएं बिना दवाइयां लिए घूम रही हैं। इनकी अपनी आदत है, जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? वो नहीं छूटती है। सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। हमारे घर पे हमारी ये निजी पत्नी है, अब उसमें क्या हंसने की बात है, तो उसकी अपनी आदत है। कल उसने मुझे उंगली के इशारे पे ऐसे बुलाया, मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या काम है, बोली कुछ नहीं, मैं तो उंगली की पावर चेक कर रही थी। तो सबकी अपनी अपनी आदत होती है, और हमारी, हम कोई भी पद पे हों, आदरणीय नवल दीक्षित सर यहाँ बैठे हैं वो भी स्वीकार करेंगे, सुनील सर बैठे हैं सब स्वीकार करेंगे, किसी भी पद पे हम पहुंच जाए, घर पे हम पति ही होते हैं सर, है ना। कल पत्नी ने जब पनीर की सब्जी बनाई, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे जब सब्जी में पनीर नजर नहीं आया तो मैंने हिम्मत करके पूछा, जवाब मिला चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम खोया पनीर है। तो जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? वो नहीं छूटती है। लेकिन आइए, दिनेश जी भैया ने बताया कि मैं मारवाड़ी हूँ। सर मैं मारवाड़ी हूँ, बात में छुपाता नहीं हूँ, सारी दुनिया जानती है सर हम लोग कैसे होते हैं, कई बैठे हुए हैं आज। मैं तो मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर दिया, बोले खर्चा कितना हुआ, मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है, मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। हमारा कोई जवाब होता ही नहीं, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जी बैठे हैं, डॉक्टर हैं, ये भी सहमत होंगे कि एक व्यक्ति की जो शादी है वो नर्स से हो गई, तो कुछ दिनों बाद दोस्तों ने पूछा कि कैसी कट रही है जिंदगी, बोले पूछो मत यार, जब तक सिस्टर ना कहो अगली सुनती नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, और जिसकी जो आदत होती है वो नहीं छूटती। लेकिन राजस्थानी होने पर भी मुझे गर्व है, मुझे तो याद है मैं अपने कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे, मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो, बोले रोहित बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो, बोले दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। हमारा कोई जवाब होता ही नहीं है, हम लोग तो अद्भुत लोग होते हैं। लेकिन अच्छा है कि हास्य देखिए कहीं से भी आ जाता है, हास्य के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, नाम से बड़ा फर्क पड़ता है इसलिए बताना पड़ता है। प्रोग्राम में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला है। बाद में मैं मंच पर गया, मैंने कहा नमस्ते मैं हूँ हास्य कवि रोहित शर्मा, तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हों और राहुल गांधी मंच पे आ गए। तो नाम का राजनीति का अपना अपना अलग फर्क पड़ता है नाम का। मैं तो इवनिंग वॉक पर निकला, मैंने कुछ बोर्ड पढ़े, देखिए कैसे नाम से हंसी पैदा होती है। जहां जहां बात आपको अच्छी लगे, आपका समर्थन मिले, फिर अंतिम रूप से कविता सुनाऊंगा। सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, कलमाड़ी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, और अंतिम बोर्ड तो बड़ा अद्भुत था, उस पर लिखा था आसाराम बापू गर्ल्स हॉस्टल। तो लेकिन मैं आपके परिवार का अपना हूं, आप मुझे सुनते रहते हैं, और बस मैं एक अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुना देता हूं, मैंने लॉकडाउन के दरमियान लिखी है, आप सब पहली बार सुनेंगे। सुनी कि जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है। वो दौर भी एक अजीब दौर था, जब जो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज थी वो शुरू थी, हम सब लोग घर में कैद थे। अब सुनाता हूं, सुनी कि जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है। सड़कें खाली हैं पर लॉन्ग ड्राइव पर जा नहीं सकते, लोगों के हाथ साफ है पर मिला नहीं सकते, अब परेशान कर रही रोज घर में लुगाई है। जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है, जिंदगी किस मोड़ पे।
प्रदूषण अब खत्म होते जा रहा है, आसमान अब साफ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी कि किसने कहा कि प्रदूषण इतना खत्म हो गया कि मुझे घर से पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है, किसने कहा कि मुझे घर से एयरपोर्ट साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, मगर मजाले पत्नी को अपनी गलती दिखाई दी। तब सुनाता हूं कि प्रदूषण अब खत्म होते जा रहा है, आसमान अब साफ नजर आ रहा है, लगता खत्म हो गया पाप है, गंगा का पानी बिल्कुल साफ है, हालत बहुत खस्ता है क्योंकि घर पर नहीं बाई है, जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है। कभी सोचा ना था ऐसे भी दिन आएंगे, आपने और हमने कभी नहीं सोचा, कभी सोचा ना था ऐसे भी दिन आएंगे मंदिर मस्जिद के द्वार भी बंद हो जाएंगे, कभी सोचा ना था ऐसे भी दिन आएंगे मंदिर मस्जिद के द्वार भी बंद हो जाएंगे, हमें एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी होगी, पता नहीं अब अगली मुलाकात कब पॉसिबल होगी। काम धंधे बंद होने से रुक गई कमाई है, जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है, जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है। अंतिम चार पंक्तियां इस कविता की कि जरूरत का हर सामान मिल रहा है, सर सरकार ने भी यही कहा कि जरूरत का हर सामान आपको मिलेगा, जरूरत का हर सामान मिल रहा है, लेकिन जिसे सहारे की है जरूरत उसे सहारा नहीं मिल रहा। क्या बात है, क्या बात है। जरूरत का हर सामान मिल रहा है लेकिन जिसे सहारे की है जरूरत उसे सहारा नहीं मिल रहा है। घर परिवार से दूर बनकर के मजदूर, इन्होंने बहुत बड़ी सजा पाई है, जिंदगी किस मोड़ पे ले रहा है। बस मैं तो देखिए सर, आज तो आपको बता दूं सर, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जीएम सर अक्सर मुझे सुनते रहे, नवल दीक्षित सर अक्सर सुनते रहे, हमारा सौभाग्य सर आज आ पाए। मैं सर बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ, आज तो फिर भी सर बहुत लोग हैं, पिछले प्रोग्राम में एक श्रोता बैठा था सर सामने, केवल एक, मैंने 2.5 घंटे सुनाया, फिर उतर के मैं उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है मेरे बहुत बड़े फैन हैं, वो बोला फैन है कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूँ। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।